आपके सामने ये देखिए एक सेंटेंस है और उसकी फोर ऑप्शन हैं द सन डैश इन द वेस्ट तो आपके पास फोर ऑप्शन हैं सेट्स सेट सेटिंग या फिर वॉ सेटिंग तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है सेट्स इज़ द करेक्ट आंसर और इसका रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ओके नंबर टू शी डैश अ पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर तो यहाँ पर देखिए फिर से फोर ऑप्शन हैं आपके पास विन्स इज़ विनिंग वन और वॉज़ विनिंग तो इन चारों में से कौन सी करेक्ट है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पर हमने सिंपल पास टेंस यूज़ करना है विन की सेकेंड फॉर्म होती है वन ओके नंबर थ्री आई डैश फ्रेंच दीज डेज तो यहाँ पर मैं आपको अभी फोर ऑप्शन दिखाने वाली हूँ am लर्निंग वॉज लर्निंग हैज़ लर्न और विल लर्न तो यहाँ पर आपने इन चारों में से कौन सी यूज़ करनी है यहाँ पर आपने यूज़ करनी है एम लर्निंग एम लर्निंग इज़ द करेक्ट आंसर here, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम दीज डेज बोल रहे हैं दीज डेज का मीनिंग होता है आजकल ठीक है तो आजकल जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हैं ओके okay, तो यहाँ पर एम लर्निंग इज़ द करेक्ट आंसर नंबर फोर ही डैश ऑन टूअर सिंस ट्वेंटी सेकेंड जून तो यहाँ पर भी अभी मैं आपके सामने फोर ऑप्शन लिखने दिखाने वाली हूँ ए हैव बीन बी हैज बीन सी विल बी एंड डी शेल बी तो इन चारों में से आपको कौन सी करेक्ट लग रही है आप सोच सकते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बीन आएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करना है देखिए यहाँ पर सेंस लिखा हुआ है सेंस को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं ओके नंबर फाइव पुट दैट डाउन इट डैश इन ब्रैकेट बिलोंग टू मी तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है बिलोंगिंग बिलोंग्ड इज़ बिलोंगिंग या फिर बिलोंग्स तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है बिलोंग्स बिलोंग्स इज़ द करेक्ट आंसर हेयर क्योंकि यहाँ पर आपने यूज़ करना है सिंपल प्रजेंट टेंस पुट डेट डाउन ठीक है यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस चीज़ को नीचे रख लो ये मेरी है ओके बिलोंग्स इज़ द करेक्ट आंसर हेयो तो अभी देखिए नंबर सिक्स ही डैश इन ब्रैकेट गो टू लंडन टमोरो यहाँ पर गो has been विल गो एंड गोस ये सभी ऑप्शंस दी हुई हैं और आपने सोचना है कि इन चारों में से कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी और ये क्वेश्चन आप सबके लिए है इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में आ, कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना है ठीक है इसका आंसर सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना So, I hope you have understood today's lesson. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. Thank you.